मुसर्रत के बेटे की शादी दिन में होगी? जी मैंने ही कहा है, बेबो उसके हालात नहीं है। लोग दोपहर में आएंगे, खाना खा के चले जाएंगे, और उनके लिए भी आसानी होगी जो दूसरे गांव से आ रहे हैं। तू तो वही कहेगा, इसकी सुनता है ना तू? ये क्या सी है तुमने? ऐसे कहा था मैंने सीने को, एक एक चीज बैठ के बताई थी कैसे सीना है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में समझ आए तो समझ आए ना तुम्हें। जुगनू जैसे तुमने कहा था वैसे ही तो सी के दिया है मैंने। अच्छा तो तुम ही पहन लो ना। देखो तो सही, दोनों अपने रिश्ते का लिहाज ही रख लेते। तौबा तौबा, कुछ शर्म ही नहीं है इस लड़की को। रिश्ते में भाई लगता है, इतनी बेहयाई कि शर्म भी लिहाज जरा सा भी नहीं है इसमें। काशिफ, काशिफ, अली की रात तबीयत बिगड़ गई थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। क्या आपको नहीं पता था? नहीं नहीं, वो चले, मैं चक्कर लगा लेता हूँ उसकी तरफ हॉस्पिटल। सही, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जुगनू उठ जाओ, क्या सारा दिन ऐसे सोती पड़ी रहोगी? क्या भाभी माँ, सोने देना, बहुत थक गई हूँ। तो कल इतनी तो उछल कूद नहीं करनी थी ना? अरे बाबा क्या कर रही है, रहने दे, मैं कर लूंगी। एक तो आपको भी बड़ी बेचैनी लगी रहती है, अभी तो आराम कर लिया करें। तुम्हें देख लिया ना आराम करते, तो मुझे मिल गया आराम। वैसे जुगनू कल तुम सबसे प्यारी लग रही हो। आखिर बेटी किसकी हूँ? मक्खन ना लगाओ, नाश्ता लगा दिया, जल्दी आ जाओ। ठीक है। और हाँ जुगनू, कल रोशनी नजर नहीं आई। अच्छा चलो खैर, मैं जा रही हूँ, आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो तो सही, उस्तानी होके इतनी बदतमीजी से बातें कर रही है। हमारे बच्चे खुद उसके पास पढ़ने जाते हैं, ये खुद जाहिलों की तरह बात कर रही है। हाँ हाँ, तुम लोगों को क्यों फिक्र होगी, किसी की भी बेटी के बारे में कोई भी फजूल बात कर दोगे तुम लोग तो। ये बेटा क्या हो गया, क्या कर रही हो तुम? पढ़े लिखे लोगों को ये सब जेब नहीं देता। तुम तो पढ़ी लिखी हो, बच्चों में इल्म बांटती हो, तुम अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा? है नहीं नहीं बेटा, बुरी बात बुरी बात। चलो चलो बेटा चलो। हाँ हाँ ले जाओ इसे, जब खुद अपनी आंखों से सब देखती तो मालूम होता कि क्या माजरा है। अब की बार तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर अब जुगनू के बारे में कोई बात हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं बेटे, चल 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 चल। अभी जाती हूँ मीरदीन भाई के पास, जाके उनसे शिकायत करती हूँ इसकी। चलो अंदर। बस यार अचानक ही हालत बिगड़ गई थी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। रात के 10 बजे अस्पताल लेके आया हूँ उसको। अरे काशिफ तू मुझे किसी के भी जरिए बता सकता था ना कि बीमार है यार, तेरा तो फोन भी खराब है, मैं 2 मिनट में हाजिर हो जाता यार। भाई तू वैसे ही तेरा मसरूफ चल रहा था मैं। प्लीज यार, मसरूफ क्या मसरूफ यार, क्या अली मेरे भाई जैसा नहीं है? काम काज शादियाँ वगैरह तो चलती रहती है यार। तो छोड़, ये बता कि डॉक्टर ने क्या कहा इसके बारे में? कह रहे हैं फूड पॉइजन हो गया। अच्छा हुआ सही टाइम पे ले आया, नहीं तो जान को। पॉइजन यार, अगर फूड पॉइजन था तो तू उसको पहले क्यों नहीं लेकर आया हॉस्पिटल? इन्हें जुगनू मैडम के कामों से फुर्सत मिलेगा, वह पता चलेगा ना घर में क्या चल रहा है। चुप
दो पैसे की सिलाई हो नहीं पाती, इधर मैडम के कपड़े सिलते जाते। तो परेशान ना हो। काशिफ साहब। हम कई दिनों से घर पर ठीक से खाना भी नहीं बना, वही पुराना बासी खाने पे गुजारा हो रहा है। क्या आपको नहीं पता आपके दोस्त के घर में क्या हाल चल रहा है? वो तो आपसे अपनी कोई परेशानी नहीं बांटते, बस हर पल आपके खातिर तैयार रहते हैं। एक सेकंड पूछा यार, टेंशन ना ले, देखता हूँ मैं। नहीं मैं कर लूंगा यार। काशिफ प्लीज यार शर्मिंदा ना कर, इसके साथ बैठ, मैं बाहर से एक फोन कॉल करके आता हूँ। सही है, साथ बैठ। मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह की बातें करेंगे। जुगनू और गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं। और ये गांव की औरतें ये तंग नजर हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? हमें खुद अम्मी जी भाई से बात करनी है, आप बुला क्यों नहीं रहे? हाँ तो ठीक है, खामोश रहे, बुला कर लाता हूँ मैं। अमीजुल भाई वो बाहर कुछ खवातीन आई हैं, शोर शराबा कर रही हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ, खैरियत है? ये तो नहीं है। भेजो, अंदर भेजो। अरे तुम हो, मैं तो डर गई। क्या हो गया बेबू? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर आप है कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अब ऐसी भी क्या आफत आ गई जो तुम मेरे ऊपर चली चली आ रही हो? कैसी बातें करती हैं आप, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ठीक है आप मेरे सामने ना फोन सुने, मैं चली जाती हूँ।
डॉक्टर पापा। हेलो भाभी, आपको कब से फोन मिला रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है? अभी खैरियत ही तो नहीं है, मैं एक्चुअली काशिफ के साथ हॉस्पिटल में हूँ। वो कुछ पैसों की भी जरूरत थी, अगर आप प्लीज जल्दी से आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आती। क्या हुआ बिलाल, क्या कह रहा था? काशिफ के साथ हॉस्पिटल में है, अल्लाह सब खैर करे। लेकिन हुआ क्या है? बेबू मुझे खुद नहीं पता, मैं जा रही हूँ ना, आपको बताती हूँ। जाओ जाओ, खुदा खैर करे। अब तो कुछ ठीक लग रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अजमल मैं ये क्या सुन रहा हूँ? शिकायत आई है तुम्हारी बेटी की, गांव के औरतों ने शिकायत की है इसकी। नहीं वो ठीक है, तुमने उसको पढ़ाया लिखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करती फिरे। लोगों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बुरा भला कहे, बेइज्जत करे उन्हें। भाई अमीरुद्दीन, इसे गलतफहमी हो गई थी, गुस्सा आया और निकल पड़ी। यही वजह है कि मैं इन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ हूं। दिमाग खराब हो जाते हैं इनके, जबान को पर लग जाते हैं इनकी। नहीं भाई मीरदीन, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भी वो सारी बातें सुनते तो गुस्से में ना जाने क्या क्या ना कर जाते। अच्छा तो ऐसा क्या कहा उन्होंने, मुझे भी तो पता चले। भाई मीरदीन रहने दें, बच्ची है, ना समझ है, आप बड़े हैं, माफ कर दें, इसी आखिरी भूल समझ के माफ कर दें। आइंदा आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अब्बा मुझे बताने दें, अगर मेरी दोस्त के बारे में कोई फालतू बकवास करेगा
तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जुगनू के बारे में? जी हाँ। चलो बेटा रोशनी, घर चलो, तुम घर चलो। अजमल रुको, बोलने दो सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह की बातें करेंगे, और अब ये वक्त आ गया कि लोग जुगनू और गुड्डू के बारे में बातें करेंगे। जुगनू और गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं, और ये गांव की औरतें ये तंग नजर हैं। ना आपकी इज्जत का ख्याल किया और ना बेबो के बारे में सोचा कि उनके ऊपर क्या गुजरेगी। और वीना भाभी, वो तो गांव की औरतों का कितना ख्याल रखती हैं। दोनों बच्चे हमारी नजरों के सामने पले बड़े। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें अंदाजा तो होता। आखिर वो जवान है, उनमें सगा रिश्ता थोड़ी है आपस में। लोगों की बातों और रिश्तों का लिहाज करें, तुम ही होश के नाखून लो। मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह की बातें करेंगे, और अब ये वक्त आ गया कि लोग जुगनू और गुड्डू के बारे में बातें करेंगे। जुगनू और गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं, और ये गांव की औरतें ये तंग नजर हैं। बहुत साथ दिया भाई, कसम से यार, तेरी वजह से मुझे इतनी मदद मिली है ना, मैं अगर अकेला होता तो मैं क्या करता। और भाभी, भाभी को तूने बताया अभी भागी चली आई? आजकल कौन करता है किसी के लिए इतना? तुम लोग तो भाई मेरे लिए सगों से भी बढ़ के हो गए। गुड्डू, अरे गुड्डू क्या सोचा है? लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं? कैसा सोच लिया लोगों ने? कौन लोग किसकी बात कर रहे हैं? कि मैं और जुगनू बहन भाई। हाँ तो इसमें गलत क्या है? क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब? भाईजान ने जुगनू को गोद लिया था ना, वो अपनी मुंह बोली बेटी बनाया था, तो इस हिसाब नहीं, इस हिसाब से तू उसका भाई थोड़ी हुआ, तू तो चच्चा हुआ उसका। ओ भाई आराम से, मुंह संभाल कर बात कर अपना। हम साथ में पले बड़े, एक दूसरे के साथ खेलें, एक दूसरे का दुख सुख बांटा है हमने, और अब अचानक से गांव वालों को हमारा रिश्ता याद आ गया। हम हंस बोल के लिए साथ में तो लोगों को आग लग गई। बात को समझने की कोशिश कर, बल्कि तू रह नहीं दे। इस वक्त तू गुस्से में, मेरी सारी बातें ना तेरे सर पे से गुजर जाएंगी। छोड़ ना,
बस बस यार बस प्लीज प्लीज। अच्छा छोड़ यार, ये पता कि अभी अली को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अभी मजीद हॉस्पिटल में रखेंगे। डॉक्टर आ जाए तो मैं पूछ के बताता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? पहाड़ में। अरे तुम असलम बेबो। वालेकुम अस्सलाम। खुदा नेकी दे, आज रास्ता कैसे भटक गई? तो अच्छा बेबो, आप चाहती हैं कि मैं चली जाऊं? अरे नहीं पगली, मैं तो तुझे तंग कर रही हूँ, तू तो इस घर की रौनक है। अच्छा तो फिर एक बात बताएं कि अब मुझ पे पाबंदियां लगेंगी क्या? अब मेरा आना जाना सब बंद हो जाएगा क्या? अब मैं रोशनी से भी नहीं मिल पाऊंगी? पहले तेरे हाथ पांव बांध कर कोई तुझे रोक सका है, जो अब रोक लेगा? मगर बेबू वो, अरे तू फिकर न कर, रोशनी से मिलने से तुझे कोई नहीं रोकेगा। एक ही तो दोस्त है मेरी। जानती हूँ जानती। और ये तू पटाना शुरू कर रही है? अच्छा बहुत शैतान हो गई है तू। तुमको वाकई कुछ इल्म नहीं था? अगर उन लोगों की बातें सच साबित हो गई तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? आखिर वो जवान है, उनमें सगा रिश्ता थोड़ी है आपस में। लोगों की बातों रिश्तों का लिहाज करें, जवानी का खुमार है यार, तुम ही होश के नाखून लो। दोनों बच्चे हमारी नजरों के सामने पले बढ़े, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें अंदाजा तो होता। तुम्हें अंदाजा इसलिए नहीं हुआ कि तुमने उन्हें हमेशा बहन भाई की नजर से देखा। कभी खुद उनसे पूछा कि वो एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं? नहीं ना, कम से कम उनसे बात करो, खुद मुतमईन हो जाओ, बिठाओ उन्हें, पूछो उनसे। ये जो हमारे घर में बच्ची पली बड़ी है वो भी अपना खूब रंग दिखा रही है, पराए खून। मैंने बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की है। आप मेरी परवरिश पर शक कर रही हैं बेबो? बात परवरिश की नहीं, पराए खून की है। तुम ये क्यों भूल जाती हो? जुगनू तुम बाहर जाओ। बेबो इस हवेली में क्या राजदारियां चल रही है जो मुझसे छुपाई जा रही है? आप जानती ना कि अमीरदीन को राजदारियां, तो तुम मुझे बताओ जो अपनी चहेती को छुपाती फिर रही हो।
वापस कर दी। पाला है मैंने, परवरिश की है, और आप ये गांव वालों की बातों में आ गए। मैं गांव वालों को बुलाती, उनकी तबीयत दुरुस्त करती, कि मेरे ख्याल से ये सिला दिया उन लोगों ने। ऐसा ना हो कि वह पलट कर तुझसे सवाल पूछ डाले। ये जो हमारे घर में बच्ची पली बड़ी है, वो भी अपना खूब रंग दिखा रही है पराए खून। मैंने उसे कभी किसी और की बच्ची नहीं समझी। हाथों में जब उसका हाथ आया तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई हैं मुझे, मेरी कमी पूरी हो गई है। मैंने बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की है। आप मेरी परवरिश पे शक करेंगे बेबो। बात परवरिश की नहीं, पराए खून की है। तुम ये क्यों भूल जाती हो? तलाल तो आपका खून था, क्यों छोड़कर चला गया? वो वापस आना चाहता है। क्या? बेबो, तलाल को रोको। तलाल को यहां पे हरगिज ना आना, वरना एक नई जंग छिड़ जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। जब वो गया था ना यहां से, मैं उसको रोक नहीं पाई थी। अब अमीरी तुमको अपनी से छोड़नी पड़ेगी। तलाल वापस अपने घर आएगा। बेबो, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि अमीर दिन तलाल की शक्ल देखने का रवादार नहीं है। मीना, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं। मेरी आंखें तरस गई अपने बच्चे को देखने को। ठीक है, आप अपनी जगह पे जिद्दी हैं और अमीर दीन अपनी जगह पे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जुगनू पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मुझसे मजीद बहस मत करो, चली जाओ यहां से, मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो। तलाल तो आपका खून था, क्यों छोड़कर चला गया आपको? तलाल को रोको, तलाल को यहाँ पे हरगिज ना आने दो, वरना एक नई जंग छिड़ जाएगी। बेबो, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि अमीर दिन तलाल की शक्ल देखने का रवादार नहीं है। बेबो, कैसी है मेरी बेबो? ये तो मेरे दिल से पूछ बेटा, एक मजबूर माँ का प्यार तुम क्या जानोगे? तो फिर मुझे आने क्यों नहीं देती वापस आओ? क्योंकि बेटा, तुम्हारा यहाँ आना अब मुमकिन नहीं है। तुम तो जानते हैं ना मेरी दिल को, और वैसे भी वहां तुम खुश हो बेटा, अच्छी नौकरी है और वहां की दुनिया में तुम बस चुके हो। कहीं भी जाकर बस जाऊं, पर बेबो अपने घर वालों जैसा चैन नहीं गई। सब कुछ है मेरे पास यहाँ, अच्छी नौकरी है, पैसे हैं, घर है, पर आपके जैसा प्यार करने वाला नहीं, बिना भाभी जैसा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। मैं भाईजान की डांट भी सह लूंगा, पर मुझे आने दे प्लीज। मुझसे अब यहां पे और नहीं रह जाता बेबो। अरे अरे जुगनू, बीबी तुम तो जरा पीछे की रहो, इतनी बातें होंगी, तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? चलो अपने कमरे में।
जुगनू और गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं, और ये गांव की औरतें ये तंग नजर हैं। ना आपकी इज्जत का ख्याल किया और ना बेबो के बारे में सोचा कि उनके ऊपर क्या गुजरेगी। और वीना भाभी, वो तो गांव की औरतों का कितना ख्याल रखती हैं। राजदारियां तो तुम मुझे बताओ, जो अपनी चहेती को छुपाती फिर रही हो। बस कर दे बेबो, पाला है मैंने, परवरिश की है। ये जो हमारे घर में बच्ची पली बड़ी है ना, वो भी अपना खूब रंग दिखा रही है पराए खून होने का। आ मेरी परवरिश पे शक कर रही है बेबो। बात परवरिश की नहीं है, पराए खून की है। तुम ये क्यों भूल जाती हो? बेटा इधर आओ, हमारे पास तो बैठो। तो आखिरकार भाई अमीरुद्दीन इसको ले आए। चलो अच्छा हुआ, इसका भी भला हुआ, और ये के तुम्हारे घर भी रौनक हो गई। वैसे वीना तो पाल ही लेगी, मतलब तूने लड़कों की परवरिश की है। लड़की जात का ध्यान रखना पड़ता है, और इस हवेली में आज तक किसी लड़की की परवरिश नहीं हुई है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मगर फिर भी जरा ध्यान से, दूसरा खून है ना। हाँ ये तो है, बच्ची है प्यारी। भाई अमीरुद्दीन वाकई बहुत नेक सिफत आदमी है। Thank you.
कहाँ थे तुम? कुछ ख्याल है तुम्हें हमारा? इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें गुड्डू, काशिफ को कॉल की, उसने कहा कि तुम तो दोपहर में हॉस्पिटल से चले गए थे। बेबो ने कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछा मुझसे, हमेशा मैंने फैक्ट्री का बहाना कर दिया। और तुम, और ये क्या हालत बना रही? अच्छा चलो छोड़ सब कुछ, कुछ खाया तुमने? ना, सारा दिन सब कुछ नहीं खाया। टू शर्फीन, शर्फीन बेबो को बता दो कि गुड्डू आ गया और खाना लगाओ इसके लिए। अरे अरे जुगनू, बीबी तुम तो जरा पीछे ही रहो, इतनी बातें होंगी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? चलो अपने कमरे में। क्या आवाजें लगा रहे हो? जुगनू अब यहां नहीं रहती, अब तू भी यहां का रास्ता भूल जा। कोई मुझे जुगनू को भाई बहन बोले, ये मुझे बहुत अजीब लगता है यार। किस किस रिश्ते से बहन भाई लगते हैं? तो बाहर बस्ती में जो औरतें बातें कर रही हैं, उसके बारे में गुड्डू क्या सोचता है? कितनी बुरी बात है रोशनी, कि हमारी दोस्ती होने के बावजूद तुमने हमसे कोई मशवरा ही नहीं किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। तो जो करना था मैंने किया,